चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ द रेडियस ए एंड एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कॉइल। ठीक है, सबसे पहले आपको फिगर बनाना होगा। ये देखो, ये सर्कुलर कॉइल है, ये उसका सेंटर है। अज्यूम करो इसमें करंट फ्लो हो रही है आई एम्पियर की, ठीक है, करेक्ट। और इसका रेडियस ए है, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक। दूसरा, इसमें ये भी कह रहा है कि इसका जो एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस पे ए पॉइंट पे जितना रेडियस है उतनी डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, करेक्ट है, जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, करेक्ट है। और इस पॉइंट पे और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा? जैसे ओ पॉइंट पे और पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, जैसे ओ पॉइंट और पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। ध्यान से देखो, यही तो पूछ रहा है, रेशियो। तो सबसे पहले अगर करंट आई एम्पियर की फ्लो हो रही है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? ओ पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, ये होता है। लेकिन एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? तो उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। जैसे एज्यूम कर लें, ये डिस्टेंस एक्स है, ठीक है, पी पॉइंट पी है, रेडियस आर है, या ए ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, रेडियस ए कंसिडर कर लेते हैं। तो पी पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से सुनना, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन टू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये होता है। ये फॉर्मूला के डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब क्योंकि x की वैल्यू भी a के बराबर है, तो इस लॉजिक से क्या होना चाहिए? P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट i, जहां पर x है वहां पर आप रख दो a, तो ये a स्क्वायर पावर 3/2 होगा। ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट i a पे पावर 2 अपॉन क्या हो जाएगा? ये 2 ब्रैकेट में 2 ए स्क्वायर का पावर 3/2। ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना। तो 2 ये हो जाएगा, इसका पावर आएगा इंटू 2 पे पावर 3/2 होगा, इंटू ए पे पावर 2 इंटू 3/2 होगा, 2 से ये 2 कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर यहीं पे गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। देखो a पे पावर 1 है, a पे पावर 3/2 है, दोनों का जोड़ेगा 1 प्लस 3/2 5/2 होगा, इंटू a पे पावर 3 आएगा p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। एक बार और यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, तो p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, म्यू नॉट i, a स्क्वायर ऊपर है नीचे a क्यूब है, ठीक है, और a पे सॉरी ये 2 है ना, मैंने a क्यों लिख दिया यहाँ पर, ये गलती हुई थी, ठीक कर लो, 2, ये 2 है, ये भी 2 है, 2 पे पावर 5/2, 5/2 का मतलब कितना हो गया? 4√2 हो गया, होगा कि नहीं होगा चेक कर लेना एक बार। ये नीचे a हो जाएगा, तो p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा और o पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतना है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो o पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नॉट i अपॉन 2r, 2r की जगह a कर लो ना, क्वेश्चन में a है ना, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से r की जगह a कर लेते हैं, क्वेश्चन में a दिया हुआ है ना, ठीक है, तो यहाँ भी इरेज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ भी ठीक कर लिया हमने, डिवाइडेड बाई p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट i अपॉन 4√2a। अब म्यू नॉट i कटा, a से a कटा, ऊपर क्या गया? 4√2, 4√2 बाई 2 कितना आएगा? 2√2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? 2√2 डिवाइडेड बाई 1, ये डी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।